हमने पहले आपको जो बताया कि छोटे छोटे विद्रोह, हमने बताया आपको कल वाला जो चैप्टर था उसी को लिंक करके आगे बढ़ाना है कि बिहार के क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख विद्रोह कौन थे और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो रहा है। कल भी हमने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत का अगर क्रम देखें तो हम लोगों ने देखा कि पहले प्लासी का युद्ध देखा, ठीक है, 23 जून 1757 को। उसके जस्ट बाद हमने बक्सर का युद्ध देखा 22 अक्टूबर 1764 को। उसको जब हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में हमने आपको दिखाया था कि आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि देखें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि आगे देखेंगे तो छोटे छोटे विद्रोह, संथाल विद्रोह से पहले भी हमने बताया आपको, उसका डेट थोड़ा याद रखना है। और उसी क्रम में हमने शाह आलम द्वितीय अली गौहर के विद्रोह के बारे में चर्चा किया कि पटना पर 3 बार आक्रमण करता है, संथाल विद्रोह का चर्चा किए थे, आपको पता है उसका नेतृत्व किसने किया। बस क्वेश्चन जो पूछता है क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से आपको बढ़ना है। फिर हमने आगे उलाना विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा का विद्रोह हमने बताया, उसका रीजन दिया, उसका क्षेत्र बताया, 1895 पहला गिरफ्तारी 98 तक, फिर 98 से लेके 1900 तक, ठीक है, टाइम पूछेगा तो 1898 से लेके 1900 तक आप टाइम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ हुआ वो इतना बात बताई, इन सारी बातों के बाद हमने आपको ताना भगत आंदोलन बताया 1913-14, ठीक है, जत्रा भगत उसके नेतृत्व करता थे और वह पहला जनजाति विद्रोह था, वह आंदोलन के रूप में तब्दील हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ा और गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा था। यहाँ तक की बात हमने समझाया था। इसी बीच में हमको 1900 तक हम आपको ले गए, 1920 तक लेके गए थे, लेकिन एक क्रम हमारा छूट रहा था, 1857 का सिपाही विद्रोह और बिहार, एक भारत स्तर पर सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह कहने का मतलब है कि पहली बार इसे सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। नॉर्मल सी बात है, यह कथा कहानी हम बताने के लिए आपको नहीं बुलाए हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, हथौरा वही मारना है जो कि हमारा जंजीर टूट जाए, टाइम कम है हमारे पास। तो अब आता है कि भाई आप प्रश्न चार्ट को देखेंगे तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बिहार के परिपेक्ष में कि प्रश्न क्या पूछ सकता है, ये बात आना चाहिए आपके मन में। और प्रश्न देखेंगे तो पाएंगे कि वीर कुंवर सिंह पर हमेशा क्वेश्चन बनाया है उसने, उनके डेट पर यह विद्रोह कब कहां से शुरू हुई, ठीक है, यहां भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावे इस विद्रोह से जुड़े हुए ब्रिटिश अधिकारी पटना में कौन कार्यरत थे, समझ में आ रहा होगा, कौन सैन्य नेतृत्व कर रहा है, जो नए क्वेश्चन जो बनेंगे बस इसी तरीके से कि दानापुर का मुख्यालय का कौन होगा। यह चार्ट को आप देखेंगे तो इसकी सारी ताना बाना यहीं पे बुना हुआ है, 1857 के सिपाही विद्रोह बिहार के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आप पीटी तो करेंगे ही, जस्ट 27 दिसंबर को आपका भाग तय होने जा रहा है कि फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल के आसपास में जो 21 में मुख्य परीक्षा होगा 66वीं का, आप उसके लिए योग हैं या नहीं है। तो बस आप आज से काउंटडाउन उल्टी गिनती आपकी शुरू है। आज हमने पहले कहा था कि आपसे 10 घंटा चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा आपका और समय लेना पड़ेगा, इसको बढ़ा दीजिए 12 घंटा। 12 घंटा तक कुछ मत सोचिए, 12 घंटा खाना पीना है कुछ छोड़ के 12 घंटा आप समय दीजिए और 220 घंटा 20 हो गया 200 प्लस हो जाएगा। तो इतना सारा घंटा और 20 तारीख तक अगर आप लगा देते हैं तो फिर आप अपना पार मेरा पार कर लेंगे और साथ साथ मेरा भी मेरा पार हो जाएगा। तो हम समझा रहे थे कि बिहार में सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह की बात करते तो पहले भारत पर देखते हैं। तो 10 मई, समझ में आ रहा होगा, 10 मई ऐसा डेट है, मेरठ से शुरुआत होता है, सैनिकों के द्वारा शुरू करता है, वहीं से क्या करते हैं कि सैनिक दिल्ली की तरफ चल देते हैं, यहीं से शुरुआत होता है। और यहीं से आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके जस्ट बाद आप लखनऊ में देख सकते हैं, इलाहाबाद में देख सकते हैं, अलग अलग झांसी में देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नेताओं के द्वारा सिपाही विद्रोह की शुरुआत, पहले सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इसमें क्या हुआ कि उस समय के जो असंतोषग्रस्त लोग थे उन्होंने क्या किया कि अब भले उनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहा हो लेकिन इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया
और कई जगह आपको अवध के क्षेत्र में देखेंगे कि आम जनमानस का विद्रोह था, या आम जनमानस का विद्रोह था। यहाँ जो एक और प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह पर सरकारी इतिहासकार कौन थे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एस एन सेन सरकारी इतिहासकार थे, कहीं पे आप लिख लीजिएगा सरकारी इतिहासकार एस एन सेन, 1857 के इतिहास लिखने के लिए सरकार नियुक्त किया था। हाँ, एस एन सेन साहब, ये फैक्चुअल चीज है, और इस फैक्चुअल चीज को हम कह रहे हैं कि आज जब बिहार पढ़ा रहे हैं, एक बार चले जाइए घटना चक्र पे और जाके आप वहां से सारा क्वेश्चन एक बार लगा जाइएगा। और बिहार का जो है, जो आपके पास प्रीवियस ईयर है या फिर इम्तियाज का पुस्तक है जो क्वेश्चन सेट में, आप उसको लगा लीजिएगा। यहाँ तक की बात समझ में आया होगा। अब बात आता है कि भारत या बिहार के परिप्रेक्ष्य में 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ। तो शुरू होता है, तो देखिए इसको कारण में ऐसे ओवरव्यू हम पूरा डिटेल नहीं खोलेंगे, आर्थिक कारण जरूर होगा कि देश का जो अर्थव्यवस्था था वह भारतीयों के अनुकूल न होकर ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश सरकार के अनुकूल हो गया था। एक लाइन में समझिएगा, राजनैतिक जो व्यवस्था है वह समाप्त हो गया था। संप्रभु जो है किसी भी शासक का बहुत बड़ी चीज होता है, वह गिरवी रख दिया था उन्होंने अपने संप्रभु को, या देश का जो संप्रभुता है वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, अंग्रेजों की हुकूमत के पास चला गया था। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जो हमारा परंपरागत रूल और रेगुलेशन था उसमें कई सारे परिवर्तन कर दिए गए थे। वह परिवर्तन चाहे हुआ बाल हत्या निषेध हो, सती प्रथा कानून हो, जो भी कानून बना वह ब्रिटिश हुकूमत अपने लाभ और अपने उद्देश्य कर रहे थे। ठीक है, धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ गया था, सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, वह क्या करेगा कि कुंडल नहीं पहन सकता है। साथ ही सैनिकों के लिए भी समुद्र पारी एक कानून बना दिया गया था। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप वहां से पूछ पढ़ लेंगे घटना, आज जाइएगा एक बार तुरंत इसको क्विक रिवीजन करके, 5 मिनट में रिवीजन कर हो जाएगा, और घटना चक्र पर जाकर 2 से 3 पेज है आप उसको पीछे का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, आधा घंटा के अंदर में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा था, इन सारे कारणों ने एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया जो सर्वप्रथम सिपाहियों ने कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं उसका हम खिलाफ करेंगे, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी। एक कारण है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैन्य कारण, और तत्कालिक चर्बी लगा कारतूस की जो घटना आती है वहां से तत्कालिक कारणों के साथ यह स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट होता है तो संपूर्ण भारत में फैलता है, तो भारत का ही हिस्सा है बिहार, मन में आ रहा होगा, तो बिहार में भी स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा होगा, तो बिहार में स्टार्ट होगा तो क्या याद रखना है कि एक जगह कौन होगा, कौन सा जगह से स्टार्ट होगा, पहला बात, इसका नेतृत्व किसने किया, दूसरी बात, और तीसरा जो इसमें आता है कि कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके साथ संघर्ष होने का काम होता है विद्रोह का। अगर वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद किसने नेतृत्व किया, किस क्षेत्र में किया, अमर सिंह नेतृत्व करते हैं कैमूर पहाड़ी के क्षेत्रों में। तो यहां से बस एक समान सा प्रश्न आपसे उम्मीद करेगा, समान जानकारी ही आपसे पूछ रहा है, समान सा जानकारी आपसे उम्मीद करेगा कि यह जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो आते हैं अब बिहार की तरफ, हम आपको ले चलते हैं क्योंकि भारत की हल्का सा आपको चर्चा किए हैं। तो बिहार में देखेंगे कि 12 जून एक ऐसा डेट है, 12 जून 1858। देखिए यहाँ पे फिर अपडेट को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लिखने के क्रम में, 57 कर लीजिए, 57 हाँ यहाँ पे 57 कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कई बार लिखने के क्रम में भी, क्योंकि कई चीज शोरगुल होता है या आता है माइंड से आउट हो जाता है। तो इसको 12 जून 1857 लिख लीजिएगा, 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी से आपको दिखाई पड़ेगा, उसको साफ कर लीजिएगा। देवघर जिला के रोहिणी से 32वीं रेजिमेंट के द्वारा या बिहार में पहली बार विद्रोह की शुरुआत की है। ठीक है, पहला लाइन कि कब हुआ कि 12 जून 1857 को, कहां से, देवघर के रोहिणी जिला से, 1857 की विद्रोह 32वीं रेजिमेंट के द्वारा शुरू की गई। अब जब शुरू हो गया तो एक चीज बताइए कि प्रशासनिक कौन कौन सा होगा, तो हमने कहा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि पटना का जो गवर्नर है विलियम टेलर, या इस क्षेत्रों को कंट्रोल कर रहा है,
एक तो पटना में गवर्नर है, पटना का गवर्नर है, दूसरा दानापुर सैन्य मुख्यालय का जो मेजर जनरल है लॉयट, समझ में आ रहा होगा, यह भी सैन्य नेतृत्व करने का काम करेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि दानापुर सैन्य मुख्यालय का मेजर जनरल कौन था, लॉयट, ठीक है। विलियम टेलर का जो हम चर्चा करते हैं तो हमने पीछे भी बताया था कि जब बहावी आंदोलन हो रहा था तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना ही था। सुनते चलिए, तो विलियम टेलर ने क्या किया था कि बहावी आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे, जिसमें मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब थे, अहमदुल्ला साहब थे और बायजुल हक साहब थे, इन लोगों को क्या किया गया था कि गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहां से पूछेगा कि विलियम टेलर के द्वारा किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो ये नाम आप याद रखना है। यहां तक की बात समझ में आ गया होगा। पटना के एक मौलवी थे मेहदी जी, जिनको भी इसी समय गिरफ्तार कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दिखाई पड़ेगा कि पटना सिटी में जब विद्रोह हो रहा था, इसी समय आर लायल नाम का जो अधिकारी है वह मारा गया इस संघर्ष में, संघर्ष करते हुए मारा गया। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, पूछ सकता है कि पटना सिटी में मारा गया ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है, बस सीधा सा क्वेश्चन, आर लायल मारा गया। यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको बना के बता दे रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजर फिर आपका मारने और लड़ने की बात ही हो रहा है यहाँ पे, तो पूछेगा कि चंपारण में, तो चंपारण में देखेंगे तो मेजर होम्स नाम का जो मेजर है अधिकारी, इनकी भी मृत्यु हो गई यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट जब आगे बढ़ रहा है, 25 जुलाई के दिन था 1857, 25 जुलाई 1857 के दिन कि दानापुर के जो छावनी स्थित सैनिक थे, रेजिमेंट था 7वां रेजिमेंट, 8वां रेजिमेंट और 40वीं रेजिमेंट, इसने क्या किया कि बगावत कर दिया। बगावत करने का कारण क्या रहा होगा कि सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, उनको समय पर मासिक जो मानदेय है वो नहीं प्राप्त हो रहा था, इस कारण से विद्रोह करके अब दानापुर से क्या किया कि आरा की तरफ बढ़ने का क्रम करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इस रेजिमेंट का नेतृत्व आपको वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। यहां तक की बात समझ में आया होगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। तो वीर कुंवर सिंह का थोड़ा सा, जैसे हम वीर कुंवर सिंह पर आ गए हैं तो हमने कहा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहां हुआ है, जगदीशपुर में हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके पिता का नाम पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, बहुत बड़े स्कॉलर है भाई, समान नेतृत्व करता है, नहीं उम्र होने के बावजूद भी अंग्रेजों को अगर उनको मजबूर कर दिया कहने के लिए कि यह व्यक्ति एक बहुत बड़े स्कॉलर इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार ने इनके बारे में कहा है कि यह व्यक्ति शायद कुछ और पढ़ा लिखा होता तो यह अपने क्षेत्र का दशा दिशा बदल देता। समझ में आ रहा होगा, एक जमींदार उम्र का तकाजा है, उम्र कम है, अगर उम्र होता तो एनर्जी भी तो बनाना था, इस उम्र में आप यंग हैं तो अभी अपने आप को हार जाते हैं कि भरे भाई बीपीएससी तो कैसे होगा, बर्डन लिए होगी, 80 साल उम्र हो गया है, 75 साल 80 साल उम्र हो गया है, वह व्यक्ति कम संसाधन होते हुए भी अंग्रेजों की उन्नत व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, आधुनिक व्यवस्था है, तकनीक उनके पास है, और वहां उसके ऑफिसर को हरा रहा है, अधिक बड़े बड़े ऑफिसरों को, सेनापति को, उस क्षेत्र का सैन्य नेतृत्व करने वाले लोग को पराजित कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और आपको तो छोटा सा काम, एक किताब के सहारे बीपीएससी का दरवाजा तोड़ देना है, समझ में आ रहा होगा। जिस दिन जाएंगे या जाएंगी, इंटरव्यू का दिन होगा, सोचिए अच्छा अच्छा ड्रेस कोट पैंट और जो व्यवस्था उस दिन, आपका खर्च अच्छा खासा हो जाता है, सोचिए कितना अच्छा मतलब दृश्य होगा कि जब आप इंटरव्यू पैनल के पास बैठे हुए होंगे, तो बस आप सिर्फ फील कीजिए कि मैं तो हो गई, मैं तो हो गया, इस बार का जो पद है जो 731 सीट मैं तो भर ही दूंगा, अपना एक लिस्ट तो उसमें होगा, आप एक बार सोच के देखिए कि कितना अच्छा आनंद आता है, अरे डीएसपी तो बन गए हैं, अब क्या है, तो थोड़ा ही तो प्रयास करना। यहाँ तक के बात हमने समझा कि उनका जन्म जगदीशपुर में हुआ। फिर पिता साहब साहबजादा सिंह, ठीक है, विवाह देव मुंगा से हुआ, और भाई अमर सिंह, ठीक है, और आरा के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा तो आपको वीर कुंवर सिंह। यहां तक की बात हमने आपको बताया, अब जो यहां से शीर्षक लगाइएगा, वीर कुंवर सिंह और ब्रिटिश सत्ता। जब हम वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे थे कि जगदीशपुर के शासक थे, राजा थे, जगदीशपुर में ही जन्म हुआ था, तो अगर आपको बिहार से पूछे कि 1857 का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह थे।
जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया, तो बताना है कि वीर कुंवर सिंह थे, बस सीधा इनको याद रखना है। और जगदीशपुर के दुर्ग में इन्होंने क्या किया था कि बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना लगाने का काम किया था जगदीशपुर में ही। फिर हमने कहा कि कुछ डेट है, डेट बाय डेट याद रखेंगे तो 3 अगस्त 1857 यह याद रखिएगा कि बीबीगंज का युद्ध होता है, समझ में आ रहा होगा कि बीबीगंज का युद्ध में क्या हुआ कि मेजर विंसेंट आयर ने क्या किया कि वीर कुंवर सिंह को पराजित किया। तो पूछेगा कि बीबीगंज का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो मेजर विंसेंट आयर और वीर कुंवर सिंह के बीच में, समझ में आ रहा होगा कि बीबीगंज का युद्ध मेजर विंसेंट आयर और वीर कुंवर सिंह के बीच में हुआ, जिसमें वीर कुंवर सिंह की हार हो गई। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात समझ में आ रहा होगा। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमने पहले भी बताया कि दानापुर का जो सैन्य छावनी से चले हुए 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट का जो सैनिक था, जब दानापुर से आरा की तरफ बढ़ते हैं जगदीशपुर की तरफ, तो उनका नेतृत्व करने का काम वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, यह भी बात हमने बताया। फिर आप देखेंगे कि 5 अगस्त 1857 कोई दिक्कत नहीं, 5 अगस्त 1857 ने क्या किया कि बंगाल सरकार ने, क्योंकि बंगाल ही उसका मेन केंद्र था, उसने क्या किया कि पटना का आयुक्त बनाया टेलर के स्थान पर, टेलर के स्थान पर क्या किया शेमुल्स को, टेलर को हटा दिया और कहा कि भाई अब आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इस चीज को, तो नए आयुक्त बनाया पटना का ई ए शेमुल्स को, समझ में आ रहा होगा। यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेलर के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया, यहां भी बनने लायक क्वेश्चन है, यहां भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने कहा कि भारत स्तर पर आप देखेंगे विशेषकर उत्तर भारत, दक्कन का कुछ हिस्सा फैला हुआ है या विद्रोह, तो विद्रोह फैला हुआ है, तो आप देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह आपको आगे जो भारत का पढ़ते हुएगा कि नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर के युद्ध में भाग लिया था। फिर आजमगढ़ जो यूपी का है, और त्रौलिया के मैदान में भी लड़ने का काम करते हैं आजमगढ़ का, त्रौलिया के मैदान। तो पीछे वाला जो आपको 1857 का सिपाही का विद्रोह है, किस किस क्षेत्र में विद्रोह किसने नेतृत्व किया, कौन कहाँ गया, वो बड़े स्तर पर। लेकिन अभी आपको बिहार हमें कराना है, उतना ही काम करना चाहिए जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से हो, समझ में आ रहा हो, इतना पॉइंट इतने सोर्स को ही आप याद नहीं रख पाएंगे। तो यहां तक हमने बताया कि एक लाइन हमने जोड़ा कि नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर के युद्ध में भाग लिया था। तो पूछे अगर यहां से पूछना होगा तो पहले से भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ कि 23 अप्रैल 1858 का वह दिन था कि ब्रिटिश अधिकारी ली ग्रांट की सेना को बाबू वीर कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया। तो ली ग्रांट किसके द्वारा पराजित हुआ, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। कब हुआ, तो 23 अप्रैल 1858। बस ध्यान देते रहिए, सीक्वेंस को बस बरकरार रखिए थोड़ा सा। अब जैसे ली ग्रांट आएगा तुरंत माइंड में आ जाएगा, शेमुल्स आएगा तुरंत याद आ जाएगा आपको, मेजर विंसेंट आयर आएगा तुरंत आप याद कर लेंगे, अच्छा बीबीगंज के युद्ध से जुड़ा हुआ है। अंततः क्या हुआ कि ली ग्रांट की सेना को पराजित कर दिए, लेकिन यह ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहा और हाथ में गोली लगी थी। और जब गंगा नदी को पार कर रहे थे अपने क्षेत्र में पहुंचने के लिए, तो माँ गंगा को अपने लगे हुए हाथ को काट कर समर्पित कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद ही आपको दिखाई पड़ेगा कि 26 अप्रैल 3 दिन बाद 1858 को महान सपूत वीर सपूत का मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह के ऊपर आ जाता है। उसके बाद का नेतृत्व अमर सिंह कैमूर पहाड़ी के क्षेत्रों में रहकर छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को छकाने का काम करते हैं। लेकिन अंततः वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। एक और चीज था कि अपने भाई हरे कृष्ण सिंह और जगदीशपुर में क्या किया था, अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह ने मिलकर क्रांतिकारी या समानांतर सरकार, हो सकता है एक ही नाम दे दे, हरे कृष्ण सिंह दे दे या अमर सिंह दे दे, दोनों नाम पर ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बीपीएससी में ध्यान रखना है कि चार ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन को चेक करें कि कहीं दो नाम तो नहीं दिया है, दो और नाम आ गया तो आपको सीधा ई ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि वहां 8 से 10 प्रश्न का उत्तर ई रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 से 10 प्रश्न का उत्तर ई रहेगा। फिर क्या हुआ कि अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अमर सिंह नेतृत्व के बाद एक आपको याद रखना है क्रांतिकारी या समानांतर सरकार, और दूसरा कि अमर सिंह को गोरखपुर जब अरेस्ट हो गए तो गोरखपुर जेल में रखा गया, और अंततः 1860 में इनकी भी मृत्यु हो गई। समानांतर सरकार की बात हमने बाद में लिखा था कि हरकिशन सिंह समानांतर सरकार वहां जुड़ा हुआ है, ये चीज हरकिशन हर वही है नाम, हरे कृष्ण सिंह या हरकिशन सिंह,
ठीक है, नाम वही है, नाम ये भी दे सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हरिकिशन सिंह, ठीक है, नाम का थोड़ा सा आएगा, उसमें कुछ घबरा नहीं, समानांतर सरकार का गठन किया। यहां तक की जो पार्ट हमने बताया ये आपको 1857 के सिपाही विद्रोह और बिहार से रिलेटेड था। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो यही सब बात उसमें फिर लिखवाएंगे, तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, वो रिपीट हो जाएगा क्योंकि यह सारा चीज आपको लिखा हुआ है, जो याद करना। चलिए इधर देखिए, इसमें पहले सुन लीजिए, बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इतना आप मान के चलेंगे कि पहले बिहार का निर्माण देख लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो रहा है, क्योंकि तब तक बंगाल मेन था। मेन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे कि आपको दिखाई पड़ेगा कांग्रेस की स्थापना 1850 समझ में आ रहा होगा, वहां से आंदोलन बढ़ना शुरू हो जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन, वहां तक आप देख रहे हैं, तो बंगाल विभाजन हुआ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार एकदम शांत रहा, उसमें बहुत ज्यादा मतलब शांत रहने का मतलब कि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं। बंगाल विभाजन का विरोध जिस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि बंगाल में हो रहा है, बिहार के लोग उसमें इंक्लूड नहीं, जब पढ़े होंगे फ्रीडम स्ट्रगल में तो दिखाई पड़ेगा। कारण क्या था कि बंगाली बाबुओं के द्वारा ही बिहार का शोषण करने का काम हो रहा था, आप समझ रहे हैं, तो क्योंकि अधिकारी वही थे और अंग्रेज तो कर ही रहे थे, यहाँ कंट्रोवर्सी भी बात नहीं, सुन लीजिए कि बंगाली बाबू कहने को जो अधिकारी थे ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हीं को मिल रहा था, और बिहार के लोगों को लगता था कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हमारा जो अपना पहचान है, एक पहचान है, इस पहचान को बनाने के लिए बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बना दिया जाए। उनका कहना था कि बिहार को अलग प्रांत से मांग कर रहे थे, उनका विचार था कि मुगल काल में भी बिहार जो है स्वतंत्र सूबा था, इसका एक अपनी पहचान थी, और जब से शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार उड़ीसा को एक साथ दीवानी दे दिया, दीवानी देने के बाद क्या हुआ कि